एजुकेशनल पैनारामा की तरफ से मज़हर अली का सलाम कबूल हो। हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंग्लिश वोकैबलरी। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपेटिटिव एग्जाम्स में वोकैबलरी की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, लिहाजा कोशिश करें कि डेली बेसिस पर 10 से 15 वर्ड्स जो है वो म्यारी और अच्छे सबलाइन जिनको कहा जाता है उनको तैयार करने की कोशिश करें। आज हमारा जो टॉपिक है उसका लेक्चर नंबर 1 है और वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब सब्स्टिट्यूट कहते हैं मुतबादिल, यानी कई रस्ते। तो जब एक लंबी बात को एक लफ्ज के जरिए बयान किया जाए तो उसको कहा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को मुख्तसरन दरिया को कूजे में बंद करना, यानी लंबी बात को एक लफ्ज में बयान करने को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो पहला लफ्ज है एबडिकेट, तख से दस्त बरदार होना। कोई हुक्मरान चलाता आ रहा हो और वो रिजाइन दे दे तो उसको कहा जाता है एबडिकेट। अच्छा, आबुरिजनी, आबुरिजनी किसी खित्ते के असल बशिंदे होते हैं जो पहले वहां रह रहे होते हैं और फिर कोई कब्जा करने वाले यानी कॉलोनाइजर आते हैं और उनको निकाल बाहर करते हैं, आबुरिजनी। तीसरा लफज है अबार्टो, अबार्टिव, अबार्टिव अबॉर्शन से निकला है, अबॉर्शन असकात हमल को कहते हैं, हमल गिराना, तो इससे अलामती मतलब है बेसूद कोशिश। चौथा लफज है एडोलिसेंट, एडोलिसेंट लड़कपन होता है, जवानी से और बचपन के दरमियानी अरसे को तकरीबन टीन एज होती है तो इसको कहा जाता है एडोलिसेंट। अच्छा, पांचवा है एग्नोस्टिक, जिस तरह मजहबी लोग होते हैं इनके उलट एग्नोस्टिक होते हैं जो खुदा और किसी भी उनवान से किसी रूहानी चीज के वजूद के मुनकरीन होते हैं, एग्नोस्टिक काफिर। एग्रेरियन, एग्रेरियन ज़रात के मुतल्लिक, पाकिस्तानी मुआशरा, पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो एग्रेरियन ज्यादा है, 70% के करीब ज़रात से वाबस्ता है। अच्छा, एलियन अजनबी स्ट्रेंजर, अलीजेंस, प्रोनंसिएशन पर बहुत ज्यादा जोर दें, अलीजेंस बैयत वफादारी। एमेटर गैर पेशावर, अच्छा कुछ खिलाड़ी खेल खेलते हैं पैसे कमाने के लिए, जो शौकीन मिजाज और सिर्फ शौक से खेले उसको कहा जाता है एमेटर। अच्छा, एमनीजिया, ये लफज है एमनीजिया, याददाश्त का ज़िया, ये अक्सर मेमोरी प्रॉब्लम होता है लोगों को और उनकी याददाश्त खो जाती है तो ये याददाश्त का ज़िया होता है एमनीजिया। अच्छा, 11 है अनार्की, अनार्की होता है जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब हो जाए और अफरा तफरी हो, इंतशार हो, तवायफुल मलूकी इसको कहा जाता है। एंटीडोट तरियाक, जो जहर का असर खत्म करे उसे कहा जाता है एंटीडोट। 13 है एपोस्टेट, एपोस्टेट मुर्तद को कहते हैं, जो पहले दीन पर मौजूद हो लेकिन फिर दीन से मुनहरिफ हो जाए, पीछे हट जाए। असेटिक सूफी, जिसने तर्क के दुनिया अख्तियार की हुई हो। अच्छा, एवरिशियस, एवरिशियस कहते हैं लालची को, एवरेज से लफज निकला है लालची। अच्छा, एवियारी, परिंदे रखने की जगह वो जो छोटा सा डरबा आपने बनाया हो उसको एवियारी कहा जाता है। मैं फिर एक दफा रिपीट कर देता हूँ, पढ़ता जाता हूँ, प्रोनंसिएशन पर ज्यादा जोर दें और कंटेक्स्ट के मतलब मुताबिक मीनिंग याद करने की कोशिश करें। एबडिकेट, तख से दस्त बरदार होना, आबुरिजनी कदीम बशिंदा, अबॉर्टिव बेसूद कोशिश, एडोलिसेंट लड़कपन, एग्नोस्टिक काफिर, एग्रेरियन ज़रात के मुतल्लिक, एलियन अजनबी, अलीजेंस बैयत वफादारी, एमेटर गैर पेशावर खिलाड़ी, एमनीजिया याददाश्त का ज़िया, अनार्की तवायफुल मलूकी, एंटीडोट तरियाक, एपोस्टेट मुर्ताद, असेटिक सूफी, एवारिशस लालची, एवियारी परिंदे रखने की जगह। थैंक्स वेरी मच।